हर किसी के मन में यह सवाल जरूर खड़ा होता होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आती तो खूब सारी अदाकाराएं हैं, लेकिन ये सभी एक्ट्रेसेस कुछ ही फिल्मों में नजर आ पाती हैं और फिल्मों में नजर आने के बाद भी ये हिट नहीं हो पाती। इन्हें जहां फिल्में कम मिलने लगती है, लाइमलाइट से भी ये दूर होने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपराजीज के सामने और इवेंट्स में इन्हें जरूर देखा जाता है। लेकिन इवेंट्स पे आने के लिए ये लाइमलाइट में रहने के लिए पैसा कहां से लेकर आती होंगी, क्योंकि इनके पास तो फिल्में है ही नहीं। और इस सवाल का जवाब आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आप सभी को देने वाले हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉलीवुड फिल्में ना करने के बावजूद भी आखिर इन सभी फ्लॉप हीरोइनों के पास कहां से पैसा आता है, कहां से ये अपने जीवन का इस तरह से गुजारा करती है कि उसके बावजूद भी इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन रेट में भी आना ये बखूबी जानती है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे मीशो ऐप के बारे में, जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। मीशो ऐप घर बैठे कमाई का एक काफी अच्छा जरिया है। इसे डाउनलोड करने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। बता दें कि इस ऐप पर दिए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने जानकारों तक शेयर कर सकते हैं। उन जानकारों में से कोई भी दिलचस्पी अगर उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में रखता है तो आप उनका एड्रेस लेके अपने ही ऐप के जरिए उन्हें कर सकते हैं डिलीवर उन्हें ऑर्डर। लेकिन इसके जरिए आप कैसा पैसा कमा सकते हैं ये आपको बताते हैं। उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में रख कर आप उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस कर सकते हैं चेंज। जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस है 800, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं 900 में, और ऐसे में आपकी सीधे तौर पर कमाई हो जाती है 100 रुपए। और इस सिंपल से प्रोसीजर के साथ आप कर सकते हैं ढेर सारी कमाई। पहले नंबर पर आती है अमीषा पटेल, जो कि सुर्खियों में काफी ज्यादा छाई रहती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनामियों की वजह से, क्योंकि ये फेक प्रमोशन करती है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो कभी किसी इवेंट पर पहुंच जाती है बोल्ड अंदाज में, और इनके इस बोल्ड अंदाज की ही वजह से इन्हें ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पर बुलाया भी जाता है। लेकिन जहां इतने सालों से अमीषा पटेल बदनाम चल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि अमीषा अब आप सभी को नजर आने वाली है बिग बॉस सीजन 13 में, जहां पर ये काफी ज्यादा मोटी रकम लेने वाली है और ये हो सकता है लगभग 70 से 90 लाख तक पूरे सीजन का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एली अब्राम की, जो कि अपने एक इवेंट के लिए 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और अगर इवेंट पे उन्हें डांस परफॉर्म करना है तो वो लेती हैं 6 से 7 लाख रुपए। एली अब्राम आप सभी को याद ही होगी, मनीष पॉल के साथ इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये नजर आ चुकी है बिग बॉस में भी, और उसी के बाद इन्होंने पहचान हासिल की, लेकिन एक अदाकारा के तौर पर नहीं बल्कि एक मॉडल के तौर पर। गौहर खान नजर आ चुकी हैं आपको, काफी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। ये मॉडलिंग करते हुए भी ये ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करती हुई नजर आई थी अपने वार्डरोब माल फंक्शन की वजह से, लेकिन उससे ज्यादा इन्हें लाइमलाइट अगर मिल पाई तो वो था शो बिग बॉस, जहां शो की विजेता बनकर गौहर खान को जाना गया। ये हर इवेंट में 6 लाख रुपए चार्ज करती है, और अगर इन्हें आना हो किसी बड़े फंक्शन में और यहाँ परफॉर्म करना हो उन्हें डांस, तो ये चार्ज करती है 10 से 12 लाख रुपए, और ये करती हैं ब्रांड प्रमोशन भी काफी ज्यादा। श्रेया सरन आप सभी को याद होगी, दृश्यम में ये नजर आई थी अजय देवगन के साथ, जो एक इवेंट के लिए 7 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। बता दें कि श्रेया सरन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा काम करते हुए तो नहीं देखा गया, लेकिन ये साउथ इंडस्ट्री में खूब काम करती है। नेहा धूपिया, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम तो बहुत किया, लेकिन एक अच्छी अदाकारा के तौर पर ये साबित नहीं हो पाई, और इन्हें काफी जल्दी ही समझ आ गया था कि अगर इन्हें बने रहना है लाइमलाइट में तो पेपराजी के सामने बार बार आना जरूर होगा, किसी इवेंट के जरिए या फिर कोई और शोज के जरिए, जैसे कि ये नजर आने लगी रोडीज में, तो वहीं इवेंट भी ये साथ साथ किया ही करती थी। इवेंट के लिए नेहा धूपिया चार्ज करती है 6 से 10 लाख रुपए, अगर इन्हें आना है एक बड़ी शादी पर तो ये चार्ज करती हैं 12 से 13 लाख रुपए, और अगर शादी पे इन्हें डांस परफॉर्म करना है तो ये चार्ज करती है 15 लाख। चित्रांगदा सेन बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है, जिनकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। ये बेहद खूबसूरत होने के साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, काफी अच्छी एक्टिंग करना जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं मिल पाता। चित्रांगदा सेन इस वजह से इवेंट्स में ज्यादा लगी रहती हैं,
बता दें कि चित्रांगदा सेन एक इवेंट के लिए 15 लाख डिमांड करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर कि इवेंट कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। एक शादी पर आने के लिए चित्रांगदा सेन डिमांड करती है 15 से 20 लाख, तो वहीं डांस परफॉर्म करने के लिए 18 से 20 लाख। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें ये सभी एक्ट्रेसेस खूब छाई रहती हैं लाइमलाइट में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्हें देखा जाता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए, कहीं कहीं इवेंट पे तो कहीं किसी की शादी में, लेकिन अगर नजर ये नहीं आती है तो वो होती है बॉलीवुड फिल्म में। तो दोस्तों घर बैठे ढेरों पैसा कमाने के लिए आप मीशो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।